नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबिनिशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दशकों पुरानी बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतरिम फैसला सुनाएगी। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कुल 32 आरोपी हैं, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करके मामले में सभी कार्रवाई पूरी कर ली है। शोविक और रिया दोनों की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों ने इस मामले में कई अन्य व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है। उन व्यक्तियों के संबंध में अभी जांच चल रही है। ऐसे में यदि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाएगा तो वो उन व्यक्तियों को सतर्क कर देंगे और सबूत नष्ट हो सकते हैं। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की पूर्ण संभावनाएं हैं, इसलिए मामले के तमाम तथ्यों को देखने के बाद आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 37 के तहत जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। जांच प्रारंभिक चरण में है और यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो ये अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ करेगी, इसलिए ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आवेदक आरोपी जमानत के हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया का देश भर के सांसदों, विधायकों, वर्तमान और पूर्व के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटारे की अर्जी पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र ने कहा कि वह सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से दिए गए आदेश का स्वागत करेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ऑनर किलिंग के खतरों का सामना कर रहे अंतरजातीय जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए जिला विशेष प्रकोष्ठों के रूप में 15 समितियों का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति जे आर मेधा और न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी के डिवीजन बेंच को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि संबंधित जिलों के पुलिस उपायुक्त इन विशेष प्रकोष्ठों के लिए समन्वय अधिकारी होंगे, जो शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ का मामला के तहत दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मंगेतर से शादी करने के लिए हत्या के एक दोषी को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी। इस अवधि के दौरान वह पुलिस एस्कॉर्ट के अधीन रहेगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने दिया, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और के एम जोसेफ शामिल हैं। विशाल बंटी को ट्रायल कोर्ट द्वारा एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उनके पास हिरासत में यातना देने पर कानून लाने की कोई योजना नहीं है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन को सूचित किया कि भारतीय दंड संहिता इस तरह के अपराधों के लिए सजा प्रदान करती है और इसके लिए अलग कानून लाने की कोई योजना नहीं है। राज्य मंत्री डीएमके सांसद कनिमोक्षी करुणानिधि द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही गई। कनिमोक्षी ने पूछा कि क्या सरकार पुलिस और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा हिरासत में व्यक्तियों की यातना को रोकने के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के एक पुजारी को दोषी ठहराते हुए एक बार फिर कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस की धारा 50 केवल निजी तलाशी के मामले में लागू होती है। अभियुक्त ने इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम धारा 50 के प्रावधानों पर अमल न किए जाने का मुद्दा उठाया था। अभियुक्त के अनुसार नमूने एक अधिकारी को सौंपे गए थे, जिसने या तो खुद ही दूसरे अधिकारी को नमूने दिए या खुद दिल्ली स्थित सेंट्रल लेबोरेटरी तक लेकर पहुंचाया था। इसका प्रमाण निदेशक के पास था। ऐसी स्थिति में नमूने के साथ ही साथ छेड़छाड़ के आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी पे संघ लोक सेवा आयोग में मुसलमानों के प्रवेश के संबंध में आयोजित कार्यक्रम पर सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह कार्यक्रम बहुत कपटपूर्ण है,
एक विशेष समुदाय के नागरिक जो एक ही परीक्षा से गुजरते हैं, एक ही पैनल को साक्षात्कार देते हैं, यह यूजी यूपीएससी की परीक्षा पर भी सवाल उठाता है। हम इन मुद्दों से कैसे निपटेंगे, क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबिनिशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।